आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर पिवट। तो पावर बीआई की इस कोर्स में हम एक्सेल के पार्ट में पावर पिवट को सीख रहे हैं। तो आखिर पावर पिवट करता क्या है पहले जानिए। उससे पहले जानिए पावर पिवट की जरूरत, कि हमें पावर पिवट की जरूरत क्यों पड़ती है। तो हमारे सामने डेटा, डेटा में यहाँ देखिए हमारे पास सेल्स का डेटा है, कस्टमर एंड प्रोडक्ट का डेटा है। तो सेल्स डेटा में आप देखिए क्या है हमारे पास, दिक्कत क्या है सेल्स के डेटा में, कि हमारे पास जो सेल्स का डेटा है उसमें है सेल्स की एक ट्रांजेक्शन आईडी, उसके बाद हमारा डेट, किस डेट को हुआ, किस कस्टमर को हुआ, कौन सा प्रोडक्ट और कितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया। तो हमारे इस डेटा में कुछ अधूरापन है। अधूरापन यह है कि हमारे पास कस्टमर की आईडी है, कस्टमर की नेम और उसका लोकेशन और बाकी डिटेल्स नहीं है। ऐसी प्रोडक्ट की से प्रोडक्ट कोड है, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं है। ऐसी क्वांटिटी है एमआरपी हमारी, ताकि हम प्राइस निकाल सके सर। तो ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसकी बाकी डिटेल अलग अलग सीट्स पे है। इस सीट पे आप देखिए कि सिटी के कस्टमर की आईडी के अगेंस्ट उसका नाम और उसका सिटी है, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसका अमाउंट है। तो अब मुझे डेटा जो चाहिए कुछ इस तरह का चाहिए, यहाँ पे जैसे सी टू पे है एस आई डी, डेट, सी आई डी, कस्टमर आई डी, नेम, उसकी सिटी, प्रोडक्ट आई डी, प्रोडक्ट का नेम, उसकी क्वांटिटी, फिर अमाउंट, फिर उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसका अमाउंट निकालेंगे, फिर उस पर टैक्स निकालेंगे, फिर उनको आपस में जोड़ेंगे, फिर जाके इस पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं पावर पिवट का ऑप्शन ना यूज करूं तो मुझे इस पे कॉलम इंसर्ट करके भी रिपोर्ट लगाने होंगे क्या? हाँ जी। और मान लीजिए वी लुकअप लगा देंगे तो फर्स्ट टाइम है, तो डेटा हमारा लिंक्ड है, हर दिन एक के नीचे एक ही होता है, तो हर दिन मुझे वी लुकअप लगाने पड़ेंगे ना। तो ऐसा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ पिवट के अंदर ही सारा हो जाए। तो कैसे करेंगे? तो उसके दो तरीके, अगर मान ले दो सीट से ही करना है मुझे, दो तरीके हैं कि आप जब पिवट लगाते हैं तो पिवट लगाते समय यहाँ आपको दिख रहा होगा एड डेटा टू डेटा मॉडल, ठीक है, इसको क्लिक करके ओके कर दीजिए। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम अकॉर्डिंग टू योर डेटा, तो इंतजार कीजिए। उसके बाद मेरा मान लो कस्टमर के साथ लिंक करना है, तो मैं कस्टमर को भी इंसर्ट करूंगा पिवट टेबल और यहीं पे ऐड डेटा टू डेटा मॉडल कर दूंगा, ठीक है। ठीक। अब इसमें दिक्कत क्या है, मुझे दिक्कत यह है कि अभी तक जो है दोनों सीट के बीच में क्या कॉमन है। हम भी रुको लगाते तो बताते हैं कि भाई आईडी को इस आईडी के से स्टार्ट करना है, डिक्लेयर करना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि भाई प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर सी आईडी और आईडी दोनों एक ही है। तो इसके लिए अब किसी पिवट टेबल पे, जरूरी नहीं कि आप दो दो लगाए तो कौन सा हो, किसी भी एक पिवट टेबल पे जाएं, क्लिक करें और आप पिवट टेबल एनालाइज में आएंगे तो देखिए रिलेशनशिप हाईलाइट हो जाएगा। इससे पहले रिलेशनशिप आपका हाईलाइट नहीं था, अब अभी हाईलाइट हो गया। अब मैं रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ हम टेबल पे जाते हैं, रेंज पे, रेंज, रेंज की सी आई डी और किसके साथ कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करना है रेंज वन के, रेंज वन का हमने बोला आई डी। लेकिन इस पे एक प्रॉब्लम, सॉरी इस पे एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम ये है कि जब आप रिलेशनशिप करते हैं दो सीट के बीच में, तो किसी एक सीट में एक यूनिक जिस जो दो आईडी को मैच कर रहे हैं, दोनों आईडी एक सीट में यूनिक होना चाहिए।
हमारे सेल्स वाले जो सीट है वो सेल्स वाले सीट पे हमारा आईडी मोर देन वन टाइम है। कौन सा आईडी? ये आईडी मतलब कस्टमर आईडी। लेकिन हमारे कस्टमर वाले सीट में जो आईडी है वो एक बार एक आईडी एक ही बार है। आप समझे कि नहीं? हेलो हाँ सर। हाँ जी, हाँ जी, मनोज जी, समझ में आया आपको ये बात? ये बहुत हाँ जी, हाँ इम्पोर्टेंट जी, है इसलिए बोल रहा हूँ। तो जो दो आईडियो के बीच में आप रिलेट करने जा रहे हैं वो किसी एक सीट पर यूनिक होना चाहिए, ठीक है? ठीक एंड ओके करते हैं, एंड क्लोज करते हैं। वैसा करते ही आप यहां देखेंगे पिवट टेबल फील्ड में एक एक्टिव दिखेगा, एक ऑल दिखेगा। हम ऑल की तरफ बढ़ते हैं। बोले अब इसमें देखिए तीन जो भी ठीक सीट जितने भी सीट थे दोनों सीट का डाल गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए रेंज का सिटी। रेंज यू वांट का क्वांटिटी। आ गया सर डेटा, क्लियर है इसमें? हाँ। अच्छा, इसके अंदर तीन टेबल आपने शो किए, रो, रेंज, डाटा, और तीसरी कौन सी थी? पहले से टेबल एक था, पहले से हम उसको ऐड नहीं किए थे। इस डेटा हमने दो टेबल ऐड की थी। हमने अच्छा, किया था सीट सेल्स को और कस्टमर को। तो सेल्स जो वो रेंज वन रेंज रेंज वन रेंज टू जो अपने आप ले लेता है। टेबल है तो टेबल का ये नाम। हमें ये कैसे पता चलेगा हमें रेंज से उठाना है या रेंज वन से उठाना है? तो आपके फील्ड से पता नहीं चल रहा है क्योंकि आपका फील्ड कौन सा नहीं, है? हाँ वो ठीक है, ऑल के अंदर आपके डेटा भी है, लेकिन हमें सबके अंदर जाके देखना है ये किससे बना रखे हैं। हमने तो बनाई नहीं है, ये तीन चार बाई डिफॉल्ट बनती है, क्या चीजें नहीं ये नहीं ये पहले कितनी से इस बनती है? ये डेटा वाले को इग्नोर कर दीजिए। डेटा वाला पहले से अच्छा ठीक था इसलिए ऐसा हो गया। है, बनाया रेंज और बची नहीं सर ये रेंज। दो दो बनती है हमेशा फिर। हाँ दो बनती है, दो सीट के साथ लिंक किया ना हमने। दो दो तीन के साथ के, तीन चार के साथ के, चार बनेगा। तो हमें कौन सी उठानी है, हम चेक करने हैं अपने फील्ड एक एक खोल के। अच्छा हाँ चेक करना पड़ेगा ना, जैसे सिक्वेंसली होता है। जैसे आपने जो पहला ऐड किया है आपका रेंज होगा, दूसरा वाला आपने जो ऐड ऐड डेटा डेटा मॉडल किया था ना पीवट लगाते समय, जो जो आपने पहले किया है वो आपका रेंज हो गया, जो आपने दूसरा किया वो रेंज वन हो गया, तीसरा करोगे रेंज टू हो जाएगा। नहीं, हमने तो सिर्फ एक ही बार कनेक्ट किया है ना इनको आपस में, सिर्फ वन टाइम किया आईडी और सीआईडी के कनेक्शन की साथ। बात नहीं हो रही है, हम जो डेटा मॉडल में जो डेटा ऐड किए थे वो उसकी बात हो रही है। कनेक्शन तो हमने एक बार नहीं, दो बार ऐड किया ना, हाँ दो दो सीट पे। हाँ हमने दो सीट को ऐड किया है ना डेटा मॉडल में पिवट लगाते समय, दो हुआ। दो शीट को ऐड किया आपस में, यानी शीट तो कनेक्टिविटी एक ही बार हुई दोनों की आपस में, तो हमने ये दो देखिए रेंज। यहाँ पे कनेक्टिविटी के हिसाब से नहीं आता है, हम जो ऐड करते हैं उसके हिसाब से होता है। तो एक पहले से डेटा ऐड था इसलिए डेटा आ रहा है, लेकिन डेटा के इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ तो हमने तो ऐड तो एक ही बार एक ही शीट किया ना आपस में दोनों को। यस हमने ऐड की बात कर रहा हूँ, ऐड मतलब कि हमने डेटा ऐड किया जो कनेक्ट किया है। आप जब बोलो कनेक्टिविटी हुआ जो हमने रिलेशनशिप बनाए किए हैं तो एक नहीं कनेक्टिविटी के हिसाब। हाँ सर, एक काम करो, ये सीट नई ले लो तो पता चल जाएगा उनको। हाँ, ठीक है ठीक है। इनको एक बार डिलीट कर दो, रेंज वन रेंज हाँ इनको तीनों को। मैं देता हूँ, पीछे वाली बंद ही कर दीजिए। ठीक, ठीक तीन सीट पर डेटा ले लिया हमने, हाँ जी। इसको मैं यहां से रिमूव बंद कर देता हूँ। अच्छा, इनमें जो कॉमन था आप बता रहे थे कि जो यूनिक होनी चाहिए वो भी एक बार बता दो, इसके अंदर तीनों दोनों टेबल में आप दिखा रहे थे। रेंज के ऊपर कंफ्यूजन है तो आप रिलेशनशिप करने से पहले क्या करेंगे, इंसर्ट और यहाँ आपका टेबल, इसको टेबल में इंसर्ट करके
इसका नाम चेंज कर दो, टेबल वन हुआ ना, तो टेबल वन को कर दीजिए सेल्स, ताकि वहां आपको समझ में आएगा, ठीक है। और फिर इस तरह से तीनों को करना है, इसको भी इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे यह है हमारा कस्टमर, ये आपका हो गया, इसको भी मैं इंसर्ट करता हूँ। वीलुकअप जानते हैं आप मनोज जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वीलुकअप लगाने का क्या प्रोसीजर है? एक कॉमन होनी चाहिए वैल्यू सबके अंदर, उसी के बेस पे वही लिंक, यहाँ पे वही लिंक वाला बात वही हुआ कि कॉमन होना चाहिए दोनों सीट के बीच में, जैसे तो इनमें आईडी कॉमन है तीनों में, आईडी नहीं, तीनों में आईडी है, क्या कॉमन है तीनों में? तो मुझे कॉमन है अलग अलग चीज कॉमन है, जैसे कि अगर हम सेल्स सेल्स से बात करें तो सेल्स की सीआईडी और कस्टमर की आईडी दोनों कॉमन है, ऐसे सेल्स में हमारा प्रोडक्ट आईडी पीआईडी और प्रोडक्ट का पीआईडी कॉमन है। लेकिन नाम तो अलग लिखे हैं, तो उठा लेगा ऊपर के हेडिंग अलग है, नाम से भी पता है, बिलों को कैसे उठा लेता है सर, हेडिंग से क्या मतलब है उसको, हम जो के अंदर तुम रेंज शुरू उसी बेस पे करते हैं ना, वहीं से उसी कॉलम से शुरू करते हैं, पे भी है जहां डालते तो इसके जो सीआईडी बीच में कस्टमर उससे प्रॉब्लम वाली टैब है, से प्रॉब्लम नहीं है, हम वहां पे फील्ड हम चूज करने का ऑप्शन देता है ना चूज करने के लिए। अच्छा 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 ठीक ठीक की बात भी सही, तो यहां पे आपको हमें लगाने के लिए दो सीट में लगा के बता रहा हूं, ठीक है। तो हम इसको पिवट लगाते समय पिवट टेबल लगाते समय हम करेंगे एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, ठीक है। ये देखिए ये करना जरूरी है, ये जब करेंगे तो इस डेटा को कॉपी करके पीछे पावर पिवट में भेज देता है, समझ गए? तो इसको ओके कर, हो गया। ऐसी कस्टमर को भी हमने इंसर्ट कर लिया डेटा टू, तो हमने पहले सेल्स को किया है और दूसरा हमने कस्टमर को किया है, तो रिलेशनशिप जो आप बनाएंगे तो रिलेशनशिप में आप देखेंगे कि यहाँ पे अब आपका तीन चीज आ गया ना, कस्टमर सेल्स एंड प्रोडक्ट, क्यों आया? क्योंकि तो हमने इसका नाम डिफाइन कर दिया, इसका टेबल डिफाइन कर दिया, ताकि आप समझ सकें। तो मुझे कस्टमर और सेल्स के बीच में रिलेशन करना है, तुमने कस्टमर को लिया और कस्टमर को लिया कि इसकी आईडी आईडी और हमने बोला सेल्स इसकी सीआईडी सीआईडी, समझे? ठीक है। एंड ऊपर नीचे करना पड़ेगा सर, सेल्स को पहले लेना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनी नहीं है, बन गई कैसे नहीं बननी है, बन नहीं बनती तो वो लेता ही नहीं। हाँ यहाँ पे मैं आप एक काम करता हूँ, ऑल पे आता हूँ, अब यहाँ पे मुझे कस्टमर प्रोडक्ट का चाहिए ना, तो कस्टमर का मैंने सिटी लिया और सेल्स का हमने क्वांटिटी लिया, आ गया समझ गए? तो ये अच्छा, उठाना अलग अलग सही है, यानी कि हाँ अलग अलग डेटा है ना मतलब। तो ये जैसे जैसे okay. मैंने यहाँ पे सेल्स से क्वांटिटी उठाई, तो उसने क्या किया, सेल्स की जो सीआईडी थी उस सीआईडी को लेके गया कहाँ, कस्टमर की सीआईडी में, कस्टमर की आईडी में मैच किया, फिर उसकी सिटी, जैसे ये सिटी है जैसे भोपाल है ना, तो ये भोपाल के बिहाफ पे डेटा नहीं ले रहा है, ये देख रहा है कि भोपाल कस्टमर में भोपाल की आई भोपाल जो है वो भोपाल किस आईडी के अंदर में, एट के अंदर है, फिर वो सेल्स में गया और एट वाले का डेटा का टोटल यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें दो प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम कि मेरे पास अगर पाँच सात आठ दस सीट हुआ तो उतने पिवट लगाने पड़ेंगे, राइट। तो एक दो सीट के लिए हमने पिवट के लिए आपको बोल दिया लगा लीजिए, दूसरी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन वगैरह नहीं होता, उसमें दिक्कत हो रहा है, बोला ना सर, आपको पिवट ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डिलीट कर दूं आपको यहाँ पे।
पे, मैं पिवट डिलीट कर देता हूँ। लीजिए अब हम बात करेंगे पावर पिवट। तो पावर पिवट का मेनू बार डायरेक्ट नहीं होता। आप लोगों के पीसी में है पावर पिवट का मेनू बार? नहीं सर। नहीं, क्योंकि पावर पिवट एक एड इन फीचर है जो कि डिफॉल्ट आपको नहीं आएगा, उसको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल, फाइल मेनू के अंदर में आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन, ऑप्शन में जाना होगा एडिंस, और एड में देखिए एक्सेल एडिंस दिख रहा है आपको सर, चेंज कीजिए और कीजिए कॉम एडिंस और फिर कीजिए ओके, और यहां से माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट और एक्सेल सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। एक सेकंड दीजिएगा सर, हो रहा है कोई? हेलो बोलिए। हेलो हाँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आप पिवट टेबल का जो कॉम सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा पावर पिवट का, पावर पिवट का आप क्लिक करके ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपको यहाँ पे पावर पिवट का ऑप्शन आ जाएगा। अब जैसे आपने अब मेन इसमें क्या होता है कि आपके डेटा को इसमें डेटा मॉडल में ऐड करना, ताकि हम रिलेशनशिप वगैरह उस पर परफॉर्म कर सकें। तो डेटा मॉडल में ऐड करने के लिए हमें पिवट लगाना पड़ता था, तो यहाँ पिवट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे तो आपका डेटा मॉडल में ऐड हो जाता है, ठीक है। या फिर आप इसको हैंडल करना चाहते हैं तो एक मैनेज होता है, मैनेज भी क्लिक करते हैं ना तो डेटा मॉडल में ऐड हो जाता है। देखिए इसमें कस्टमर ऐड हो गया, कस्टमर और सेल्स जब दो ऐड किए थे ना पिवट में, ये ऑल एडेड है यहाँ पे। और तीसरा हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ हम आते हैं प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं डेटा मॉडल, ऐड डेटा मॉडल, प्रोडक्ट ऐड हो गया। अभी तीनों के बीच में रिलेशन करना था, पावर पिवट में रिलेशन थोड़ा सा, यहाँ डायग्राम व्यू पे क्लिक करेंगे तो सारे के डायग्राम जैसे एक्सेस में दिखते हैं ना उस तरह से यहाँ दिख जाएंगे आपको, ठीक है। अब मुझे इसमें रिलेशन रिलेट करना है कि कस्टमर, इसकी कस्टमर की आईडी इक्वल टू, हमें बस उस पर जाके रख देना है, और पीआईडी को क्लिक किया और प्रोडक्ट की आईडी पे जाके हमने छोड़ दिया, उन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन हो गया। हो गया सर। अब वापस डेटा व्यू में आते हैं, और मेन सीट कौन सा है हमारा? मेन सीट हमारा कस्टमर, तो इसका सेल्स। अब सेल्स में मैं यहाँ कस्टमर का आगे कॉलम ऐड करता हूँ, एक्सेल की तरह ही है, आप इंसर्ट कॉलम करें, एक कॉलम इंसर्ट होता है जिसमें हम नेम और सिटी रखेंगे, सामने पिवट लगाया हुआ है, हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पे अनोदर ऑपरेटर बोल रहा है, क्योंकि हमने इसमें कुछ एडिट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसको कोई और ऑपरेटर यूज कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ ऐड कर लेते हैं। ऐड हो गया, लास्ट में ऐड हो गया ना, यहाँ पे कर देते हैं नेम, कस्टमर नेम यहाँ दिखेगा कैसे? कस्टमर नेम दिखेगा जब इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला? जैसे वीलो का फॉर्मूला होता है ना, ऐसे यहाँ रिलेटेड का फॉर्मूला चलता है, रिलेटेड, और जिस सीट का चाहिए, मुझे चाहिए कस्टमर का नेम, हमने कस्टमर का नेम को रखा, सिलेक्ट किया और ब्रैकेट करके एंटर मार दिया, तो सारे कस्टमर के नेम हमारे यहाँ आ गए सर। हाँ, एक ही जगह पर लगाना पड़ेगा है ना, ये रिलेटेड कमांड है, क्या लिखा है सर? रिलेटेड कमांड है, फॉर्मूला है। अच्छा, रिलेटेड लिखेंगे नेम। हाँ,
तो नेम कहाँ से निकाल के लाएगा ये, किसी भी टेबल से? नहीं, जो टेबल लिंक होगा, आपने टेबल जो सिलेक्ट किया वहां से लेगा। जैसे मान लीजिए अच्छा एमआरपी अच्छा निकाल रहा हूँ प्रोडक्ट से, देखिए नाम से देखिए, फिर एमआरपी एक कॉलम बनाया मैंने, ये थोड़ा स्लो काम करता है ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला दिया रिलेटेड का, रिलेटेड, और इसमें हमने देखिए प्रोडक्ट की अमाउंट दिख रहा है आपको, हमने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट नीचे अच्छा अच्छा और इसको हमने ठीक है। आ गया, अब मुझे यहाँ पे ठीक है अमाउंट चाहिए, अमाउंट में हम मल्टीप्लाई करना हमें, तो यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई में हमने बोला क्वांटिटी की टी आ जाता है मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, तुम्हारे इस तरह से सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। इसमें पे यहाँ पे हम आते हैं पिवट टेबल पे, तो वापस हम पिवट टेबल पे आ गया, न्यू वर्कशीट हम बोले हाँ और यहाँ पे आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैंने बोला कि मुझे अमाउंट चाहिए या प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट चाहिए यहाँ पे, कस्टमर का नेम चाहिए, नेम यहाँ पे रखता हूँ, सिटी यहाँ चाहिए और इसका सेल्स का, सेल्स की मुझे कैलकुलेशन किया गया अमाउंट चाहिए। हो गया सर, ठीक है। तो ऐसे में आएगा इसके तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर कल हम आपको इसमें और आगे बता